तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली जिले के मोरबा पुलिस की ड्यूटी के दौरान जाम खुलवाने को लेकर हुए विवाद में ट्रक चालकों द्वारा पुलिस कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है बीते मंगलवार शाम सिंगरौली जयंत मार्ग पर लंबा जाम लग गया था। इसे खुलवाने के लिए नियमित प्रक्रिया की तरह मोरबा पुलिस कर्मी पहुंचे थे, परंतु जाम खुलवाने के दौरान दो ट्रक चालकों से कहासुनी हुई, उसी में एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गई कहासुनी। अकेला पाकर ट्रक चालकों ने पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि इस घटना के बाद मोरबा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर, वहीं आपको ये भी बता दें इस घटनाक्रम को कुछ लोगों ने तूल देने के लिए अवैध वसूली से जोड़ रहे थे, लेकिन मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुरवंशी एवं कोल ट्रांसपोर्ट वाहन मालिक अमित तिवारी ने इस घटना के बारे में बताते हुए वीडियो जारी कर दिया और कहा कि अवैध वसूली की बात को सिरे से खारिज किया। कुछ ड्राइवर जो पोल आपके हैं वो दारू के नशे में थे और वो उतरकर अरविंद जी से उलझ गए और एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। प्रशासन के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। ये जब हल्ला होने लगा और ऐसी जानकारी मिली कि आगे झगड़ा हो रहा है, तो प्रशासन और यूनियन के लोग वहाँ पर आगे गए और शोर शराबा सुन के वो ड्राइवर वहाँ से भाग गए। मुझे घटने की जानकारी हुई, मैं भी वहाँ पहुँचा, लेकिन उस समय जाम हटाया गया और वो ड्राइवर जो जिन्होंने घटने को अंजाम दिया था वो यहाँ से भाग गए। एक नई खबर आई है कि वसूली के लिए ये मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ पेपर में आया है, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। मैं इसी वजह से आप लोगों के सामने आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वसूली का वहाँ कोई औचित्य ही नहीं था और ना ही किसी के द्वारा वसूली की जा रही थी। चूँकि 1 किलोमीटर जाम था और लगभग 1.5 घंटे से जाम था, उस जाम को हटाने के लिए प्रशासन और यूनियन के लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो जाम हटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इसमें कहीं से भी वसूली का कोई मैं अमित कुमार तिवारी, मैं कोल हब से हूँ और 27 तारीख को एक घटना घट गई। जाम लगा था, जयंत वाली गाड़ियाँ जो जयंत जाने के लिए खड़ी थी उसमें मेरी भी गाड़ी खड़ी थी, जिन्होंने आड़ा तिरछा गाड़ी खड़ा कर दिया था। जाम काफ़ी लंबी थी, प्रशासन के लोगों को सूचना हुई, यूनियन के लोगों ने सूचित किया कि जाम लगा हुआ है, तो प्रशासन के लोग पहुँचे वहाँ पर और वो जाम हटाने लगे। उसी में मेरे ड्राइवरों को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाम हटा, तो उन्होंने कहा कि पहले पीछे वाला हटाइए, पहले आगे वाला हटाइए। उन्होंने कहा कि पहले तुम तो हटाओ, तुमने गलत ढंग से गाड़ी खड़ा किया हुआ है। उसी में मेरे ड्राइवरों ने बदतमीजी कर दी है और उसमें अरविंद चतुर्वेदी जी वहाँ पर अकेले पड़ गए थे, बाकी प्रशासन के लोग पीछे जाम हटा रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है। ड्राइवर छत्तीसगढ़ के थे और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता नहीं था, क्योंकि ड्राइवरों से मेरा बहुत वास्ता नहीं पड़ता है। मैंने उन्हें हटा दिया है, मेरी गाड़ियां थाने में खड़ी हैं। वसूली का एक समाचार चल रहा है, जो भ्रामक प्रचार हो रहा है इस तरह का कि वसूली चल रहा था, और ये इस तरह की कोई बात नहीं थी। कहीं भी कभी भी इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है या किसी के द्वारा मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई है कि कोई वसूली का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इसलिए इस तरह की अफवाह से बचे, इस पर ध्यान न दें। बाकी मेरा ये उन ड्राइवरों का को हमने हटा दिया है अपने यहाँ से, अपनी